यह बात उस वक्त की है जब भारत में नोटबंदी का दौर चला था। तब एक कान्हा नाम का फोटोकॉपी करने वाला हुआ करता था, जो बहुत शातिर दिमाग वाला था। तब उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊं। तब उसे नकली नोट छापने का ख्याल आया और उसने एक नोट छाप ही लिया जो 15 रुपए का था। फिर उसने अपने 15 रुपए के नकली नोट को बाजार में चलाने की कोशिश की। ओ सेठ जी, एक रुमाल दीजो। ले पहली प्याला, फिर ओदा दूंगा। लो सेठ जी, 15 रुपए। करो फोट डाल का, नकली नोट चिपका रही हो बेटा, फिट करो महीने। हाँ ने ने। चमन छाप बंडर माचिस दीजो। ला प्या दे। लो भैया, ओ नोट तो हमारे भाई जी भी नहीं चला सके। हाँ तो नोट है तो बात कर। फिर काना बहुत सी दुकानों पर घुमा पर उसकी दाल नहीं गली। तब उसे बड़का हुजा, अब मुझे गांवड़े जाना ही होगा। फिर वह निकल पड़ा और थोड़ी देर चलने पर उसे उसकी आंखों के हमें बासा नजर आए। राम राम बासा। हो भैया राम राम, कटने चले तावड़ा में। कुछ नहीं बासा, खुल्ले हैं आपके पास? हाँ बेटा खुल्ला तो है, पर तू कई कह रही दोई। अरे नहीं, वो बासा प्या के खुल्ले जा रहे थे। कतरा का? ज्यादा नहीं, बस 15 के। पर मारा पा तो 14 ही से। कोई नहीं है, जो ही दे दो, ये लीजिए पैसे। क्या पता बासा को नंगे तो नहीं पड़ गई। ले रे भैया खुल्ला है। ये क्या, साथ साथ के दो नोट? बेटा जी पिंटन में तू 15 नोट छापियो ना, वो हमारे वापिस बनान क्यों।